आप देख रहे हैं यस टीवी। बहुत पुरानी कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो खेत की रखवाली कौन करेगा। ऐसा ही कुछ छछरौली के सरकारी स्कूल में हुआ। अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक ने ऐसी अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी कि जिसका अंत उस स्कूल टीचर की पिटाई पर हुआ। जी हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने अपने ही स्कूल के एक अध्यापक पर उनके साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है, जिसमें बच्चों के परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर टीचर की जमकर धुनाई की और धुनाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर टीचर को थाने ले गई। वहीं स्कूल में पढ़ रही बच्चियों ने बताया कि यह सर हमारे साथ बदतमीजी करता था। इस बारे दूसरे स्कूल टीचर को भी बताया गया था, पिछले काफी समय से हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था और डराता था, कहता था कि अगर घर पर बताया तो तुम्हें मारूंगा। कुछ करते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में आपने दूसरे सर को बताया था? अच्छा, तुम अपने मम्मी पापा को? अच्छा, कब कितने दिन से करते हैं ये? मैंने कल बताया, डरा कराते हैं जी। अच्छा, क्या कहते थे? दोबारा बताऊं मारा था और। अच्छा, सुबह फोन आया था करीब 10:30 बजे, तो मैं खुद गया था मौके पर। तो वहाँ पे सकूलत नाम की औरत थी, उसने बताया कि लड़की और चार पांच अन्य लड़कियों को सुभाष चंद है टीचर उनके, वो गलत हरकतें करते हैं, जिस पर उसने दरखास्त दी। दरखास्त पर केस किया जा चुका है, अनुसंधान जारी है। ऐसा ही कुसुमलता तफ्तीश करेगी। तो सर किन धाराओं में केस दर्ज किया गया? बुक्स एक्ट। तो सर क्या बताया, टीचर कब से कर रहा था ऐसी हरकतें, क्या शिकायत दी? अभी उससे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाने, उसके बाद मैं विस्तृत रूप से उनसे बातचीत करके फिर बताऊंगा। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।